हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी इन द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लेबर कोड। टुडे वी विल डिस्कस द कोड्स ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। उस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जिनको हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमने अपने अपने सारे मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर्स हमारा पहले 1699 का था वो अब 1299 का हो गया है, और जो 1499 का था वो 1099 का हो गया है, और 1299 के कोर्स की कीमत केवल 899 रखी गई है, और आप हमारा ये मटेरियल जो है 799 में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। यार इन तीनों केसेस में हार्ड कॉपी है जो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी, लेकिन 799 रुपये में आप ये तीनों के तीनों जो कोर्सेज हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा इसका कोर्स का फीचर है कि हम अपने जो लेबर कोड है उसको अपडेटेड फॉर्म में रखा है। आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाके विजिट कीजिए और वहां से जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी डिफाइंड अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड इज नॉट फॉर्म अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि सेफ्टी कमेटी जो गवर्नमेंट ने इस कोड के अंदर डिफाइन की है वो उन तीनों में से किस कंडीशंस में एप्लीकेबल है, और इन तीनों में से किस जगह वो फॉर्म की जाएगी। तो इसके ऑप्शंस हैं वो फैक्ट्री जहां पे 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, इन केस ऑफ हैजर्डस फैक्ट्री जहां पर 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन केस ऑफ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर 50 से ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि सेफ्टी कमेटी जो फॉर्म की जाएगी वो इन चारों ऑप्शंस में से किस कंडीशंस में फुलफिल हो रही है। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इस केस में ये 50 नहीं है, यहां पर भी 250 वर्कर्स मिनिमम होने चाहिए, तब जाके ये सेफ्टी कमेटी फॉर्म होगी। ओके, तो इसका आंसर है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने दिया है, एक्सप्लेनेशन को देख लो। पहले केस में 500 कोई भी फैक्ट्री होगी, हैजर्डस के केस पे 250 वर्कर्स होने चाहिए, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के केस में 250 वर्कर्स, 250 वर्कर्स होने चाहिए, और इन केस ऑफ माइन कम से कम 100 वर्कर वहां काम करते रहने चाहिए, तब जाके सेफ्टी कमेटी फॉर्म होगी जो कि इस कोड में डिफाइन की गई है। ठीक, नाउ क्वेश्चन टू, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, एडवाइजरी बोर्ड जितने भी कोड्स हैं उन सभी कोड्स में उनके बारे में डिफाइंड किया गया है। तो इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर और वो कौन कौन से मेंबर से कंस्टिट्यूट होती है ये आप अपने टेस्ट पर याद करके जाना, बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में भी। तो माई क्वेश्चन, जो हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है जो इस कोड के अंदर डिफाइंड किया गया है वो नॉट टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द फॉलोइंग मेंबर, यानी कि इन चार में से एक मेंबर ऐसा है जो इस बोर्ड को फॉर्म नहीं करता है, इसका मेंबर नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो, ये एक ऑप्शन है। चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन जो है वो भी इसका एक मेंबर हो सकता है। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, नागपुर में जिसका ऑफिस है वो इसका मेंबर हो सकता है, और मेंबर फ्रॉम द नीति आयोग। तो ये आपको बताना है कि कौन इसका मेंबर नहीं होगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नीति आयोग का कोई भी मेंबर इस बोर्ड का मेंबर नहीं होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन में लिखा है, सेक्रेटरी भी है, डायरेक्टर जनरल है फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट का, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का भी मेंबर है धनबाद का, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव नागपुर जो मैंने ऑप्शन में दिया था, चेयरमैन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ लेबर कमिश्नर, एंड इस तरह से कई सारे मेंबर हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, 5 एम्प्लॉय होंगे, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विद द मैटर ऑफ विच स्टैंडर्ड रूल्स पॉलिसीज बीइंग फ्रेम। तो इस तरह से करके सारा बोर्ड जो है फ्रेम हो रहा है, तो इसको आप एक बार देख लेना, तो उसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड था। बट इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे के पूरे जो कोड में, इन्होंने नीति आयोग के किसी भी मेंबर को इसके अंदर नहीं रखा है,
ये जो क्वेश्चन में था वो मैंने आपसे पूछा था, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटी। देखिए इसमें एक मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होना है, तो मैंने यहाँ पर ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी क्या क्या है और वो क्या क्या काम करेगा। सो योर ऑप्शंस आर द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एडोलेसेंट, रेगुलर चेकअप ऑफ वर्कर्स, इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयर फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, पनिश द एम्प्लॉयर फॉर एनी मिस हैपनिंग ड्यू टू हैजर्डस वर्क। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द ऑप्शन, द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एडोलेसेंट, regular checkup of workers, instruct the employer for the safety of the worker and punish the employer for any mishappening due to work. देखिए तीनों काम नहीं करता है वो नीचे वाले, लेकिन क्या है, the examination and certification of adolescents is the work of this medical officer जो कि इस कोड के अंदर डिफाइंड किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, the examination and certification of worker in a mine or a factory in such other establishment engage in such dangerous occupation, the exercise of such medical supervision for any factory, mines, plantation, motor transportation undertaken any for such other establishment, ye bhi ek uska kaam hai, and the last, the examination and certification of adolescent for the purpose of ascertaining his fitness for employment and factory, plantation, motor transportation undertaking। तो कहने का मतलब यह है कि सर्टिफाइड करता है, बट उसका काम यह नहीं है कि वो रेगुलर चेकअप करे वर्कर्स का, इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयर फॉर सेफ्टी ऑफ द वर्क, ये काम आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का है, और पनिश करे, पनिश करने के लिए भी गवर्नमेंट कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को असाइन करेगी जो ये काम करेगा, बट इट इज नॉट डन बाय द मेडिकल ऑफिसर। ओके नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। As per the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, this code is applicable on the contractor where the 50 or more worker is working on any day in last 12 month. कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जो पिछले साल में जिसने एक दिन भी 50 या उनसे ज्यादा वर्कर से काम कराया है उन पर यह कोड एप्लीकेबल होगा, बट इंटरमिटेंट वर्कर पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एज पर द डेफिनेशन इंटरमिटेंट वर्क होता क्या है, इंटरमिटेंट वर्क को इस कोड से बाहर रखने के लिए क्या कंडीशन दी है, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एनी वर्क लेस देन 120 डेज, क्या ये इंटरमिटेंट वर्क होगा? फॉर एनी सीजनल वर्क लेस देन 60 डेज, क्या ये इंटरमिटेंट वर्क होगा? या फिर ए ऑप्शन यानी ओनली फॉर एनी वर्क लेस देन 120 डेज, या फिर ये दोनों। आई मीन टू से इंटरमिटेंट वर्क जो है वो किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर देखिए क्या है कंडीशन, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 120 दिन से ज्यादा काम किसी ने किया है तो वो इंटरमिटेंट वर्क नहीं कहलाएगा। दूसरा, सीजनल वर्क जो होते हैं आप जानते हैं, प्लांटेशन हुआ, कहीं पर सीजनल काम होता है, उस केस में अगर वहां पर 60 दिन से ज्यादा काम हुआ है, 60 डेज से ज्यादा काम हुआ है, तो वो भी इंटरमिटेंट वर्क नहीं कहलाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो ऑप्शंस दोनों है वो दोनों बोथ ए एंड बी होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई मीन टू से हियर इज दैट जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में 120 दिन से ज्यादा काम हुआ है उसको इंटरमिटेंट वर्क में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पर यह कोड एप्लीकेबल होगा। ओके अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। My next question is, ये मैंने आपको बता दिया, देखिए क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन, ये थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, मैंने वहीं से उठाई है, बट आप सिंपल याद रखना कि 121 डेज इन केस ऑफ नॉर्मल वर्क और सीजनल वर्क के लिए 60 डेज, अगर इससे ज्यादा कहीं भी काम हो रहा है तो इट विल नॉट काउंटेड एज इंटरमिटेंट वर्क, इसको फुल फ्लेज काम में माना जाएगा और उस पर यह कोड एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब एक चीज और यहां से सीख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आता है कि ये कोड किस पर अप्लाई नहीं होगा, तो इंटरमिटेंट वर्क पर ये कोड अप्लाई नहीं होता है, इंटरमिटेंट वर्क पर। तो आप ये चीज याद रखना, ये भी यहां से आपको मिल गया है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन डिफाइंड अंडर द
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड कैन वर्क विदाउट एनी अग्रीमेंट वूज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विजुअल प्रोडक्शन। आई मीन टू से कोई फिल्म बनती है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो ये ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्शन जो वर्ड इसमें यूज किया गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अंदर, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? योर ऑप्शंस आर नॉन फीचर फिल्म्स, कार्टून डिपिक्शंस, वेब बेस्ड सीरीज, और ये तीनों के तीनों। तो आप जब इसको कोड को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नॉन फीचर फिल्म्स, कार्टून डिपिक्शन और वेब बेस्ड सीरीज जो आजकल बहुत फेमस है, हम लोग सभी देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका आंसर पहले तो देखते थे, इसका आंसर होगा ये तीनों के तीनों चीजें इसके अंदर आ रही है। और ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में एनिमेशन, कार्टून डिपिक्शन, ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल प्रोडक्शन, फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, टेलीविजन, वेब बेस्ड सीरीज, टॉक शोज, रियलिटी शोज एंड स्पोर्ट्स शोज, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे, और पढ़ते रहिए। हैप्पी, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।